वेलकम बैक। टेंथ के बाद से कई स्टूडेंट्स कॉमर्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली टेंथ के बाद से उन्हें कॉमर्स में क्या क्या पढ़ना हो सकता है, या कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं 10+2 के बाद से, या उसके अलावा अगर वो चाहें तो कॉमर्स के अलावा कोई दूसरी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है आगे, मतलब 10+2 के बाद से ग्रेजुएशन करने के बाद से उनको कौन कौन सी कोर्सेज या जॉब्स मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र त्रिपाठी एंड टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कॉमर्स। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने आर्ट्स के बारे में बताया था, अगर आपको इंटरेस्टेड हैं अगर आप आर्ट्स में तो जाके प्लीज़ वो वीडियो देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो दो फॉर्मेट में चलेगी वीडियो, पहले में हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में और उसके बाद से बात करेंगे हम लोग कैरियर ऑप्शंस के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, स्पेशली सब्जेक्ट के बारे में बात करते हुए चलते हैं। किसी भी सेक्शन में आप जाते हो, अगर कि आप सीबीएसई बोर्ड को ले लो या आप अपने रीजनल बोर्ड को ले लो, स्टेट बोर्ड को लेकर के चलते हो, तो आपको कम से आपको 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट और 1 एडिशनल सब्जेक्ट लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर सब्जेक्ट पे चूज करते हो तो आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट कौन कौन से मिल जाते हैं, उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से मिल जाते हैं, और ऑप्शनल में से ही आपको एडिशनल अगर चाहो तो चूज कर सकते हो। उसके बाद से कैरियर ऑप्शंस में हम बात करेंगे कोर्सेज की, जो आफ्टर ग्रेजुएशन कौन कौन से आपको जॉब्स या करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी जिस जो है सब्जेक्ट्स के बारे में, जो आती है वो इकोनॉमिक्स आपको मिल जाती है। इसके बाद से जो आपकी दूसरी सब्जेक्ट आती है वो होती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी ये स्पेशली अकाउंट्स बनाने होते हैं, इसमें कंपनी के अकाउंट्स मैच करने होते हैं, ऐसे टाइप की। उसके बाद आती है बिजनेस स्टडीज, उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। स्पेशली ये जो मैथमेटिक्स है वो थोड़ी सी स्टैंडर्ड होती है, अगर 10 की बात करें उससे थोड़ी सी स्टैंडर्ड होती है, ज़्यादा वास्ट नहीं होती है। उसके बाद करें तो इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की, ये है स्पेशली कंप्यूटर पे बेस्ड, जिसे आप आईटी भी कहते हैं, यहाँ पे आप आईपी भी कर सकते हैं, वैसे ये डायरेक्टली बिलोंग करती है कंप्यूटर को, थोड़ी सी हाईटेक होगी कंप्यूटर से और कुछ नहीं। स्टैटिक्स यहाँ पे मैं थोड़ी गलती से लिख दिया, एक मिनट में इसे हटा देता हूँ। उसके बाद आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस मिल जाते हैं, जिसमें जैसे कि रीजनल लैंग्वेज क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पे आपका एक ऑप्शनल लैंग्वेज हो, लाइक मिथिला आप ले लीजिए, बिहार से हैं तो मुझे मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है मिथिला को लेकर के। तो अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोला जाता है जिस जो अभी वैल्यूएबल है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करते हैं अब। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो ये सारी की सारी कंपल्सरी सब्जेक्ट डिपेंड करती है आपके कॉलेज की फैकल्टी के ऊपर, राइट, कि कॉलेज में सॉरी स्कूल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या कौन कौन सी फैकल्टीज मेंबर हैं वहाँ पे अवेलेबल, तो उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स मिलती हैं, ठीक है। अब सेकंड में बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, राइट। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपको मैथमेटिक्स, आईपी, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन मिल जाती है। स्पेशली जो साइकोलॉजी फाइन आर्ट्स है उसके बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। साइकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडीज होती है माइंड की, जैसे कि आप कैसे बिहेवियर करते हो, इससे पे बेस्ड होती है, थोड़ा सा बेसिक से यहाँ पे पढ़ाते हैं वो लोग। उसके बाद फाइन आर्ट्स की बात करें तो फाइन आर्ट स्पेशली डेडिकेटेड है आपको डांसिंग, फिल्मिंग, उसके अलावा म्यूजिक, इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम, जो आता है कोर्सेज आफ्टर 12th। अगर आप 10+2 कर लेते हो तो उसके बाद से आपको कौन कौन से कोर्सेज मिलते हैं कॉमर्स की विथ मैथमेटिक्स। यहाँ पे अगर आपको मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स के साथ जा सकते हो, तो उसकी ये पूरी लिस्ट है, आप एक बार इसको पॉज करके देख लेना। अगर मैं एक एक को डील करता चला गया तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप इसको एक बार पॉज करके देख लेना। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होती है, जो भी आपकी क्वेरी होती है, मैं उस पर एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा और अब वीडियो लेट नहीं होगी, सॉरी फॉर दैट, तो वो आप देख लेना। इसके बाद से अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो आपको मिल जाता है विथआउट मैथमेटिक्स, तो आप ये भी पॉज करके देख लेना। अगर कोई क्वेरी होती है तो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में आप डाल देना, हम उस पर बात करेंगे आपने आने वाले वीडियो में। खैर, अब आगे बढ़ते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर, जैसे कि 12th कॉमर्स के बाद से आप कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, ये सारी उसकी लिस्ट है। स्पेशली आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी इसमें काफ़ी हाईटेक चलती है इसमें, स्पेशली अगर बोला जाए तो। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, लॉ कोर्सेज की बात करते हैं। लॉ कोर्सेज, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये फाइन आर्ट्स के बारे में जो मैं बताया हूँ उसी में एक स्पेशलाइजेशन होता है, उसकी ये कोर्सेज हैं BFA कोर्सेज, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, ठीक है। इसके बाद से आपकी आती है लॉ कोर्सेज। लॉ कोर्सेज में आपको 2 कोर्सेज मिल जाते हैं, BCom+LLB, BBA+LLB या BA+LLB। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है, ये 2 स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप आर्ट्स से हो तो भी BBA LLB भी कर सकते हो या BA LLB भी कर सकते हो।
ये स्पेशली इंटीग्रेटेड कोर्सेज होती है, 5 ईयर्स की ये कोर्सेज होती है जिसमें आपको एलिजिबिलिटी 10+2 कम्प्लीट होनी चाहिए। हर कॉलेज की अपनी अपनी होती है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। खैर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करते हैं। तो अब मैनेजमेंट कोर्सेज की बात करते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज में आपको BBA, BMS, इंटीग्रेटेड BBA, MBA प्रोग्राम जो 5 साल की होती है, BHM, रिटेल मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। अब इसमें क्या है, BBA में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं कई सारे, HR जैसे हुआ, रिटेल जैसे हुआ, ये रिटेल जो है ना वो डिप्लोमा कोर्सेज है, सॉरी, तो HR कोर्सेज मिल जाते हैं आपको, मार्केटिंग के कुछ कोर्सेज मिल जाते हैं, वो आप फाइंड आउट कर लेना अगर आप BBA में इंटरेस्टेड होते हो तो। उसके बाद से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वही है, मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं, उसके बाद से आपको इंटीग्रेटेड BBA प्लस MBA प्रोग्राम है, ये स्पेशली 5 साल की स्पेशलाइजेशन कोर्सेज होती है, तो ये स्पेशली आप 10+2 के बाद से अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो उसी टाइम आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट ये काफ़ी पॉपुलर कोर्सेज में से एक। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक्निकल कोर्सेज की बात करते हैं, स्पेशली टेक्निकल कोर्सेज क्या क्या कर सकते हैं। टेक्निकल कोर्सेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप BA या BCOM से आते हैं, सेक्शन से आते हैं, लाइक अगर आप कॉमर्स से आ रहे हो या आर्ट्स से आ रहे हो, तो कई लोग बोलते हैं कि आप टेक्निकल कोर्सेज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 2 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, स्पेशली BCA और BArchitecture, ये दोनों कोर्सेज टेक्निकल कोर्सेज हैं जिसमें मैथमेटिक्स आपकी रिक्वायर्ड है। अगर आप मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स के साथ इस पे BCA में आगे बढ़ सकते हो। BCA स्पेशली आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BArchitecture में आपको प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की करनी होती है, इससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, डिजाइनिंग कोर्सेज की बात करते हैं। डिजाइनिंग कोर्सेज में अगर किसी का इंटरेस्ट अगर डिजाइनिंग में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तो इस कोर्सेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग, डिजाइनिंग एक्सेसरीज, डिजाइनिंग लेदर, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्सेज जैसे सब्जेक्ट्स आते हैं। फिजिकल एजुकेशन कोर्सेज की बात करें तो आप बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साथ आप किसी स्कूल्स में एज अ PT टीचर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद से योगा एजुकेशन की बात करें तो, अच्छा योगा आजकल काफ़ी फेमस हुआ, आई थिंक, मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, बट योगा एजुकेशन के साथ, योगा एजुकेटर के साथ एक आप अपनी इंस्टीट्यूशन खोल सकते हो जिसमें आप योगा सिखा सकते हो। फैशन कोर्सेज की बात करते हैं तो फैशन कोर्सेज में आपके बैचलर ऑफ फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी आ जाती है, उसके बाद से बैचलर ऑफ फैशन कम्युनिकेशन आ जाता है। अच्छा बैचलर ऑफ फैशन कम्युनिकेशन जो है स्पेशली ये फैशन से रिलेटेड जर्नलिज्म को डेडिकेटेड है, एडवर्टाइजिंग हो गया या ग्राफिक्स डिजाइनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद से बात करते हैं हम अदर बैचलर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज इवन फ्रॉम अदर स्ट्रीम्स। अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम के साथ अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो आफ्टर 10+2, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए है, आप इसको पॉज करके देख लेना। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो जाके वो वीडियो जरूर देख लेना, बाकी आप पॉज करके देख सकते हो। अगर आप एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आप BLED कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो एलिमेंट्री एजुकेशन से, BPED कर सकते हो, स्पेशली ये बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है जिसको मैंने पहले ही बताया था, एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन के साथ आप PT टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज कर सकते हो, उसके बाद से आप प्राइमरी स्कूल्स में जाके पढ़ा सकते हो अगर आप चाहते हो, एज अ गवर्नमेंट टीचर अप्लाई करना तो उसमें भी जा सकते हो, आजकल तो प्राइवेट में भी मांगते आई थिंक। उसके बाद से वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज में बात करें तो बैचलर ऑफ वोकेशनल डिप्लोमा इन वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, डोमेन स्केलिंग प्रोग्राम्स हैं, सारे काफ़ी ऐसी कोर्सेज हैं और डिमांडिंग कोर्सेज हैं। इसके बाद से हमारा जो लास्ट का टॉपिक आता है उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशली इसमें कोर्स और उसके जॉब एंड करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की गई है। तो इसमें आपको मिल जाता है बैचलर ऑफ कॉमर्स जिसके साथ आप अकाउंटेंसी, अकाउंटेंट की तरह अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, बैंक मैनेजर के तौर पे आप पोस्ट आपको मिलती हैं इन फ्यूचर अगर आप बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हो तो। उसके बाद BA, LLB में आपको बिजनेस कंसल्टेंट, लॉयर, गवर्नमेंट जॉब्स भी अवेलेबल हैं, और BBA, BMS में आपको मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इस टाइप की पोस्ट आपको मिल जाती हैं इन प्राइवेट सेक्टर्स। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंट में बात करें, ये कॉमर्स स्टूडेंट के बीच में काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA जिसको बोलते हैं, इसमें आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी होती है, एडवाइज़र बनते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे इसमें आपको मिलती है। कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो एडवाइज़र, कंपनी कंप्लेन ऑफिसर, कॉरपोरेट प्लानर टाइप के जॉब्स आपको मिलते हैं इन प्राइवेट सेक्टर। कॉस्ट अकाउंटेंसी की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, एनालिस्ट टाइप के जॉब्स आपको मिलती हैं।
BCA तो काफ़ी पॉपुलर जॉब है आई थिंक, मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज़्यादा आप लोग को बताने की ज़रूरत है, आप कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। फिर भी इसमें आपको कंप्यूटर प्रोग्रामर एज अ डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेशन, IT सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ वेब डिज़ाइनर, बिजनेस एनालिटिक्स टाइप की जॉब्स आपको ऑफर की जाती है इन प्राइवेट सेक्टर्स। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई आपको एक कोर्सेज से रिलेटेड, राइट। अगर आप किसी भी ऐसे जॉब्स में जाना चाहते हो, लाइक अगर आप CDS की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अगर डिफेंस में जाना हो तो CDS आपको मिल जाता है, तो ऐसे टाइप की जॉब्स आप कर सकते हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप जाना किधर चाहते हो। अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड हैं तो इस टाइप की आपकी जॉब्स प्रोफाइल होने वाली है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो एनी टाइम।